योगेश जी क्या हुआ आपके? मेरे को कल मैं चौथी सर्विस कराने गया था, तो वहाँ मेरे को पता चला कि मेरी चौथी सर्विस हो रखी है, तो वहाँ पे किसी फैजल अहमद के नाम से हो रखी थी, तो मैंने कहा मेरे को चौथी सर्विस, तो कह रहे आपकी पाँचवीं है। मैंने चौथी तो करवाई नहीं, तो जब मैंने बोला उनको कि पाँचवीं के लिए कि ऐसे तो कराऊंगा ही नहीं मैं, तो उन्होंने फिर मेल वेल डाली, फिर मेरे को यहाँ से फिर फोन वोन भी आए थे, तो फिर मैं कल आया था यहाँ पे, यहाँ पता चला कि हाँ जी कौन सी एजेंसी पर मैं गया था जी, पश्चिम बिहार TVS की बाइक की, पश्चिम बिहार दिल्ली। हाँ जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं रानीबाग पीतमपुरा। तो आपको थाने से फोन गया था? हाँ जी। तब आपको बता दी मेरे नंबर से हाँ एक और बाइक भी चल रही है, तो फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आरसी एक और डुप्लीकेट बनी हुई थी, तो फिर मैंने अपनी ओरिजिनल दिखाई, तो पता चला कि एक और भी है जो मेरे नंबर पे चल रही है, और बिक चुकी आधार कार्ड भी नकली बन रखा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के द्वारा दो साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो OLX पे गाड़ी नंबर और उसका डिटेल डाल करके OLX के माध्यम से गाड़ी बेचते थे। जब दो तीन शिकायतें ऐसी मिली थाने पर, तब इस पे कार्रवाई शुरू हुई और इनको दो को पकड़ा गया है। दो साथी अभियुक्त भी फरार हैं, जिसमें एक है अनस जो चोरी की गाड़ियाँ इन लोगों को प्रोवाइड कराता था, दूसरा है रमन सरकार जो RTO का दलाल है करोल बाग में, और ये इनको फर्जी RC दिलवाता था इन गाड़ियों का। 21 गाड़ियां हम लोगों ने बरामद की हैं इनसे, इसमें 4 गाड़ियां अभी कनेक्ट हो गई हैं, और बाकी गाड़ियों का भी इंजन नंबर, चेचिस नंबर और उनके नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से हम लोग बाकी गाड़ियों को भी कनेक्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो गिरफ्तार ये OLX पर इसको डालते थे और कस्टमर से कनेक्ट होकर के कस्टमर को कॉल करके उनको गाड़ियां देते थे। प्लस एक चीज़ इसमें और थी कि 5,000 रुपये इस बात का नहीं लेते थे कि जब हम गाड़ी का कागज आपको प्रोवाइड करा देंगे तब 5,000 रुपये दे दीजिए। इन लोगों ने करीब सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया है अब तक, और जिसमें अभी तक हम लोगों ने 21 गाड़ियां बरामद की। सर ऐसा भी